हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो अनाउंसमेंट हुआ था जियो की तरफ से कि जियो 1500 रुपए का जो फीचर फोन निकाल रहा है 4G फोन, और उसे आप 1500 रुपए में खरीद सकते हैं। और 1500 रुपए में खरीदने के बाद आप उस फोन को 3 साल तक चला सकते हैं, और 3 साल बाद जब उस फोन को आप जियो के स्टोर में जब आप जमा कर देंगे तो आपको 1500 रुपए वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको 1500 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं। आपको जियो फोन बुक करने के लिए अपने मोबाइल से, अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन से, अपने माई जियो ऐप से आप उस फोन को बुक कर सकते हैं मात्र 500 रुपए में। और जब वो फोन आपको आपके घर तक पहुंच जाएगा तब आप उसे 1000 रुपए पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे उसे बुक किया जाता है तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह से जियो का फोन जो है अपने मोबाइल से, अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन से, अपने माई जियो ऐप से उसे बुक किया जाता है। और आपको मैं करके दिखाने वाला हूं इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे ईएक्स मन्नानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहां पे अगर कंप्यूटर पर देख रहे हैं वीडियो तो यहां पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहां पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो यहां पे नीचे में वीडियो के नीचे यहां पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहां पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, आपने ऑलरेडी पहले से अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और आपने अभी तक इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है और इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है तो आप इस घंटे को जरूर दबाएं, क्योंकि अगर आप इस घंटे को नहीं दबाएंगे तो जब भी कोई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी जो आपको आपके मोबाइल पर नहीं मिलेगी। तो आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आप इस घंटे को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में आ जाना है, और अपने मोबाइल में आने के बाद आपको एक एप्लीकेशन है माई जियो ऐप, इसे आपको अपने एंड्रॉइड के प्ले स्टोर से, जो है गूगल के प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल में। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये माई जियो ऐप एप्लीकेशन जो है हमारे मोबाइल में इंस्टॉल है पहले से ही, और अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे अपने गूगल के प्ले स्टोर से। उसके बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा आपके मोबाइल में तो इसे आपको ओपन कर लेना है अपने मोबाइल में। जब ओपन करेंगे आप तो इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखेगा आपको। तो दोस्तों, जब इस तरह से इंटरफेस आपको दिखेगा उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंटरफेस ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे ऑनलाइन चेंज होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रे बुक नाउ पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो है अपने मोबाइल को जो है बुक कर सकते हैं, और जियो फोन को आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जो आपसे मोबाइल नंबर आपका पूछा जाएगा, जिस पते पे आप फोन को मंगाना चाहते हैं वो पता आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, सॉरी उसका जो पिन कोड होगा एरिया का वो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, और क्योंकि मोबाइल नंबर आप जब डालेंगे तो क्योंकि आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली आधार कार्ड से लिंक होता है और उसमें एड्रेस होता है पहले से ही, आपको यहाँ पे एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। और मान के चलिए अगर आप किसी दोस्त को, अगर आप मान लो आप दिल्ली में रहते हैं या बॉम्बे में आपको अगर फोन गिफ्ट करना है तो बॉम्बे का जो अपने दोस्त का जो मोबाइल नंबर डालना होगा आपको, उसके एरिया का पिन कोड आपको डालना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मान के चलिए अगर आप अपने लिए ही अगर मंगाना चाहते हैं तो आप अपने लिए भी यहाँ पे मंगा सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर डालें और अपने एरिया का पिन कोड डालें, उसके बाद मात्र 500 रुपये आपको यहाँ पे करना होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड डालना होगा अपने एरिया का, आप अपने एरिया का यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे एंटर करें। तो दोस्तों, मैं आपको एक जरूरी बात यहाँ पे और बता दूं कि अगर आप यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड डाल रहे हैं, अगर आपका एरिया का पिन कोड ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या आपको अदर पिन कोड डालने के लिए कहा जा रहा है तो आप समझ लें कि आपके जो पते पर, आपके एड्रेस पर ये फोन नहीं पहुँचा पाएगा, इनको सुविधा नहीं है पहुँचाने की, इसलिए ये आपको अदर पिन कोड डालने के लिए कह सकता है। तो आप ये समझ लें कि आपका जो एरिया का पिन कोड ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप ये इस बात से समझ जाएं कि आपको फोन नहीं पहुँचा पाएगा। और अगर आपके एरिया का अगर ये पिन कोड एक्सेप्ट करता है तो आप समझ जाएं कि आपका फोन जो है आपके एरिया तक ये पहुंचा देगा, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं मैंने किसी अलग एरिया का पिन कोड डाला है तो यहां पे देखिए ये लिख रहा है कि आपको अदर पिन कोड डालना है, यहां पे ये पिन कोड जो है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस पते पे ये नहीं पहुंचा पाएगा फोन को। तो चलिए हम दूसरा पिन कोड यहां पे डालते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कभी कभी देहात, किसी गांव में अगर किसी गांव देहात का अगर पिन कोड आप डालते हैं तो उसे जो कंपनी को जो यहां पहुंचाने की सुविधा नहीं होती है, जिस कारण से वो जो पिन कोड जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। तो किसी शहर का अगर पिन कोड आप देंगे तो वो जरूर उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ पे दिल्ली का पिन कोड दिया है, दिल्ली के जो चांदनी चौक का जो एरिया का जो पिन कोड है उसे हमने यहाँ पर डाला, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्सेप्ट कर चुका है, अब ये पे करने के लिए हमें कहा जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे हमने पे पे क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन ये दे चुका है कि आप जो है जियो मनी से भी आप जो है इसे पेमेंट कर सकते हैं, आप पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए से आप पेमेंट कर सकते हैं, आप यूपीआई ऐप के जरिए से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ, ठीक है, अपने एटीएम कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ। तो चलिए मैं एटीएम कार्ड का जो है सीरियल नंबर है यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कार्ड का जो कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, कार्ड का जो कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मंथ डालना है, ईयर डालना है आपको, उसके बाद सीवीवी नंबर आपको डालना है, ये सारी सारी डिटेल जो कार्ड के है वो सारी सारी डिटेल आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए दोस्तों हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड है, इस बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड का जो सारा का सारा डिटेल है वो सारी सारी डिटेल हम यहाँ पे डाल देते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पे कार्ड का जो सीवीवी नंबर आपको डालना है, जो तीन डिजिट का होता है, तीन अंक का होता है, वो तीन अंक का जो सीवीवी नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्ड होल्डर का नाम पूछा जा रहा है, यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि जिसके नाम से ये बैंक अकाउंट है उसका कार्ड होल्डर का जो यहाँ पे नाम आपको डालना होगा, जो उसके पासबुक में जो नाम है वो नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने कार्ड का जो सारी सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल दिया। चलिए अब मैं पेमेंट पे मैं जो है क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे लोडिंग लेगा कुछ देर के लिए, उसके बाद हमारा जो ये मोबाइल पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा हमारे इस बैंक अकाउंट में, उस मोबाइल पर ये वन टाइम पासवर्ड ये भेज देगा, उस पासवर्ड को हमें यहाँ पे डाल करके सबमिट कर देना है। उसके बाद हमारे 500 रुपए जो हमारे अपने बैंक अकाउंट से इस बैंक अकाउंट से कट जाएगा। उसके बाद हमारे मोबाइल पर एक SMS आ जाएगा जियो की ओर से कि आपका जो फोन है ये बुक हो चुका है और किस डेट में आपको ये डिलीवरी देगा, कि कब तक ये आपको आपके घर तक पहुँचा देगा ये फोन को, वो भी आपको मैसेज में ये लिख करके दे देगा। और जब ये फोन आपके घर पर आ जाएगा, आप तक पहुंच जाएगा, तब आप इसे 1000 रुपए पेमेंट कर सकते हैं और 3 साल यूज करने के बाद आप इस फोन को जमा करेंगे जियो स्टोर पे तो आपको जो 1500 रुपए वापस मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को अभी तक नहीं प्रेस किया है तो आप उस घंटे को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।